कभी कभी हमारी भी इच्छा होती है कि काम से कुछ समय निकालकर हम भी पहाड़ी जगहों पर मन शांत करने के लिए जाएं, लेकिन टाइम न होने की वजह से हम सोचते हैं कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जो हमें जल्दी से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे और घूम घाम कर हमारा वीकेंड भी निकाल जाए। अगर आपकी भी कुछ इसी तरह की समस्या है तो चलिए आज हम आपको उन हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास एयरपोर्ट काफी करीब है। बिना कोई समय बेकार किए इन एयरपोर्ट पर उतरकर आप झट से अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला डेस्टिनेशन है मसूरी। मसूरी को पहाड़ियों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यह हिल स्टेशन समुद्र तट से 6,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चूंकि यह दिल्ली के बेहद करीब स्थित है इसलिए इसकी लोकप्रियता भी लोगों में काफी बनी हुई है। मसूरी से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांड हवाई अड्डा है जो हिल स्टेशन से 54 किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्लाइट की टिकट लेकर यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा डेस्टिनेशन है गुलमर्ग कश्मीर। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में है जो बेहद खूबसूरत हो तो आपको एक बार कश्मीर के गुलमर्ग में घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। गुलमर्ग एक छोटा और खूबसूरत पहाड़ी गांव है जो छुट्टी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होता है। श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ टैक्सियों, पर्यटक बसों और यहाँ तक कि हवाई मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुछ समय बचाने के लिए आप श्रीनगर तक फ्लाइट से जा सकते हैं और फिर वहां से बिना किसी परेशानी के टैक्सी से पहुंच सकते हैं। हमारा तीसरा डेस्टिनेशन है शिमला। आप शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित शिमला हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरकर आसानी से पहुंच सकते हैं। शिमला के लिए दिल्ली से सीधी उड़ानों उपलब्ध है। ये ऐसी जगह है जहां आपको साल के किसी भी महीने में भीड़ कम होते हुए दिखाई नहीं देगी। अगर आपके पास समय नहीं है या ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो आप फ्लाइट का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। हमारा चौथा और अगला डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के कंचनजंगा का शानदार नज़ारा और हिमालयन रेलवे लोगों को बेहद आकर्षित करते हैं। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ आप आराम से बैठकर शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ के निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है। दार्जिलिंग से लगभग 67 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप जितना चाहे उतना समय अपना बचा सकते हैं। हमारा पांचवा डेस्टिनेशन है कुल्लू मनाली। दिन भर ऑफिस के काम में लगे रहने के बाद दिमाग को शांति देनी है तो कुल्लू मनाली आपके लिए स्वर्ग साबित हो सकता है। व्यास नदी के तट पर फैले इन जुड़वा शहरों की प्राकृतिक सुंदरता, नदियां, घाटियां, हरे भरे जंगल, बाग लोगों को यहाँ को आने के लिए मजबूर करते हैं। बिना समय बर्बाद किए यहाँ पहुँचने के लिए आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और भूतर एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं। यहाँ से कुल्लू पहुँचने में लगभग 20 मिनट और मनाली पहुँचने में 1 घंटा 36 मिनट का समय लगता है। हमारा अगला डेस्टिनेशन है मैक्लोडगंज। भारत में दलाई लामा का निवास स्थान होने के साथ साथ यह हिल स्टेशन शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शांति पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हिमाचल प्रदेश का यह पहाड़ी शहर बहुरंगी प्रार्थना झंडों से घिरा हुआ है। यहां आपको सड़कों पर टेस्टी मोमोज, पॉपकॉर्न और हरी सब्जियां बेचने वालों को स्टॉल लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ के पास हवाई अड्डा कांगड़ा हवाई अड्डा है और मैक्लोडगंज पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं वहां से। हमारा सातवां और अगला डेस्टिनेशन है शिलांग। पूर्व के स्कॉटलैंड से प्रसिद्ध शिलांग उत्तर पूर्व भारत में देखने लायक जगहों में आता है। शानदार झरनों, सुखद मौसम, प्राकृतिक सुंदरता और सुंदर वास्तुकला से घिरा शिलांग साल के किसी भी समय जाने के लिए एक अच्छा वीकेंड स्पॉट साबित होता है।
यहाँ के लिए आप फ्लाइट टिकट बुक कर आसानी से शिलांग पहुँच सकते हैं। शिलांग हवाई अड्डा, जिसे आमरोई हवाई अड्डा भी कहा जाता है, शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।